हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। अभी तक हमारा जो डिस्कस मैथमेटिक्स चल रहा है उसके हम पार्ट टू के ऊपर बात कर रहे हैं। पार्ट वन में हमने ग्राफ थ्योरी कंप्लीट किया, पार्ट टू में हम रेकरेंस रिलेशंस क्या चौथे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने थर्ड लेक्चर था उसमें हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना सीखा था किसी लीनियर इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का। आज लीनियर नॉन होमोजेनियस से पीएस निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट मेथड से। हम किसी नॉन लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सीखेंगे। इस लेक्चर में हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहेगा, देखो मैं इधर आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा बेसिक्स। लीनियर का मतलब क्या है, हमारा डिग्री वन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। एक तो नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आर एच एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर एच एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारी इसमें क्या होनी चाहिए, डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और आर एच एस कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें इसमें सबसे पहले चेक करना कि ये कैसी इक्वेशन है, हमारी पावर क्या है, सभी की पावर वन है तो हमारी क्या है, और आर एच एस ये हमारी एल एच एस साइड है और ये क्या है हमारी आर एच एस साइड है। एल एच एस में कौन से रहते हैं हमारे, हमारे हमेशा कौन से रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। कौन से वेरिएबल रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और आर एच एस में कौन से रहते हैं हमारे, नॉन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं इधर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी हमें अगर हमारा क्या है, देखो क्वेश्चंस में हमारा क्या है, आर एच एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारी कौन सी क्वेश्चन हो गई है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, डिग्री कितनी है हमारी, वन है। अगर डिग्री वन है हमारी तो क्या हो जाएगी, ये कौन सी इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो टोटल हमारी क्या बन गई, दिस इज लीनियर नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, गिवन है वो, दिस इज लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, आर एच एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजीनियस। अगर हमारा इक्वल टू जीरो होता तो हमारा कैसी इक्वेशन हो जाती, यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन हो जाती। अब पिछले में तो हमारा टोटल सोल्यूशन क्या होता है, देखो मैं इधर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो। टोटल सोल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा ये होता है टोटल सॉल्यूशन। जो हमारा ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा, लेक्चर थ्री में सीख लिया था। ठीक है, इसके ऊपर मैं इस क्वेश्चन में बात करूंगा, ये थोड़ा समझाऊंगा दोबारा से, और नेक्स्ट लेक्चर जब मैं इसके आज है ना, मैं बताऊंगा अभी आपको, रुको। ये लेक्चर थ्री में सीखा था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम टुडे लेक्चर में सीखेंगे आज ये चीज। ठीक है, अभी हमें खाली ये सीखना है कि ये कैसी इक्वेशंस थी, वो मैंने बता दिया। अभी हमें क्या निकालना है, आज हम सीखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशंस किसका निकालेंगे, देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस किसका निकालेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशंस तो इस इक्वेशन का हम किसका निकालते हैं, ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल का हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालते हैं। नाम से ही पता लग रहा है होमोजेनियस, इससे इसका इसका हम क्या निकालेंगे, जो ये हमारा टर्म है ये वाली, इसका हम क्या निकालेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशंस। हमारा जो आरएचएस है उसका हम क्या निकालते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। अगर हमारा रेकरेंस रिलेशंस में आरएचएस साइड में इस प्रकार के आ जाए कुछ, तो उनका ट्रायल सॉल्यूशंस हमारा क्या बनेगा। ठीक है, अब ट्रायल सॉल्यूशंस हमारा क्या बनेगा उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो हमारा आरएचएस साइड में रेकरेंस रिलेशंस और दूसरी साइड ट्रायल सॉल्यूशंस, उनके क्या बनेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर आर, क्या है 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, उसकी पावर क्या है आर। आर क्यों है, क्योंकि हमारा सारे क्या है, हमारा जो ए आर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा इधर। तो जड़ की पावर आर मतलब ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जड़ क्या है, कांस्टेंट है, 5 की पावर आर ये बोल सकते हैं। अगर 5 की पावर आर सेम ऐसे ही है, देखो कांस्टेंट की पावर आर हो, हमारा जड़ क्या है, कांस्टेंट है इधर, जड़ क्या है हमारा, कांस्टेंट है यहाँ पे। जब कांस्टेंट की पावर आर हो तो उसका ट्रायल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ए जड़ की पावर आर, जैसे आप ओडी और पीडी में पढ़ते थे, बीएससी में पढ़े थे आपने, सेम उसी प्रकार से होंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट की पावर आर हो तो ए जड़ की पावर आर, जो कांस्टेंट रहेगा वो सेम, मतलब इसका हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 5 की पावर
और इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यह ट्रायल सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बाद में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये ट्रायल सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ किस प्रकार, अगर हमारी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, ओनली कांस्टेंट टर्म, मान लो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, सो है हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो उसको क्या लिखेंगे हम, ए, क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे उधर, ठीक है। अभी मान लो हमारा आर आ जाए, पहले हम आर पे बात कर ले, आर स्क्वायर पे बाद में करेंगे, आर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए आर प्लस बी की, ए आर प्लस बी आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो हमारी क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होती है, वन, तो ये तो हमारा वन हो जाएगा, इसको लिखूँ या ना लिखूँ आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वेयर प्लस बी आर प्लस सी आर जीरो, या फिर इसको हटा दोगे तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर की पावर, किसी की पावर जीरो हो तो वन हो जाता है। सिमिलरली आर क्यूब क्या होगा, ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वेयर प्लस सी आर प्लस डी, आर की पावर जीरो हटा दो या सेम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। आप देखो अभी हमारा क्या है, आर स्क्वेयर आ जाए मल्टीप्लाई में, उसके मल्टीप्लाई में आ जाए जेड की पावर आर, मतलब हमारा आर स्क्वेयर आ जाए और मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए कॉन्स्टेंट की पावर आर, ठीक है। तो हम इस प्रकार को क्या लिखेंगे, आर स्क्वेयर का हमारा क्या होता है, ए आर स्क्वेयर प्लस, अभी आपने पढ़ा था, ए आर स्क्वेयर प्लस बी आर प्लस सी, हम इसको मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, जड़ आर, ये हमारा इसका सॉल्यूशंस, ट्रायल सॉल्यूशंस बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्रायल सॉल्यूशंस की हेल्प से मैं ये जो छः प्रकार के लिए हैं, छः क्वेश्चंस यहाँ पे आज कराऊंगा, और आप इस छः क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। लेक्चर बहुत लंबा रहेगा हमारा, अप्रोक्सीमेट एक घंटे के समथिंग हमारा लेक्चर चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में मैं ओनली आपको होमोजेनियस सॉल्यूशंस निकाल के दिखाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन में होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो निकाल के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ नोटबुक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आपका पहले पार्ट से तो आपको पता लगा है हमारी क्या सी है, लीनियर नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम ओनली लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम नॉन लीनियर का नहीं कर रहे, जिसकी पावर ग्रेटर देन वन है उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा इतना टोटल सॉल्यूशन, पहले हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन चाहिए फिर हमें पार्टिकुलर, तो होमोजेनियस पे तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमें एक बार जल्दी से उसके ऊपर शॉर्ट में बात कर लेते हैं, अगर पूरा ब्रीफ में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप जाके देख सकते हो। भाई पहले इसका देखो, हम मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो ये हो गई, हम क्या ले लेंगे इसका, क्या निकाल रहे हैं हम, होमोजेनियस सॉल्यूशन, क्या निकाल रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन, इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, देखो मैंने बताया था ए आर को किसके इक्वल ऐड कर लेंगे हम, लैम्डा के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा, ए आर को क्या लिखेंगे, लैम्डा, जो लैम्डा के साथ ये ऑर्डर है, जो ये है, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर, ये क्या है, इसका ऑर्डर है, ए आर प्लस टू, इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू, ये जो ऑर्डर को लिख लेंगे ऊपर, इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर हमारा वन है, और इसका ऑर्डर कुछ नहीं दे रखा तो जीरो है, तो जो ऑर्डर है उसमें से मिनिमम, जो मिनिमम रहेगा वो ऑर्डर क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो टू माइनस क्या किया, ए आर के साथ जीरो, सबसे मिनिमम ऑर्डर तो हमारा जीरो है, तो अल्फा माइनस जीरो, अल्फा स्क्वायर माइनस जीरो, अभी थ्री, ए आर की जगह मैंने क्या लिया है, अल्फा लिया है, और इसके साथ क्या है, वन, वन कहाँ चला जाएगा, पावर में, माइनस मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर कितना है, जीरो, प्लस टू, अल्फा लेट किया हमने, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या, जीरो, और इसी मिनिमम ऑर्डर भी क्या है, जीरो, ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस टू, इसको हम किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं बाद में, जीरो के, जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं तो इसको किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, जीरो के इक्वल ऐड कर लेते हैं, इसको जीरो के, तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे इधर से हमारे, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस टू, इधर से माइनस वन कॉमन ले ले तो अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वन और टू स्टूडेंट्स, ये आई अल्फा की वैल्यू, इधर से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशंस, क्या होगा इधर से हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होगा हमारा, ए आर एच, किससे डिनोट करेंगे, ए आर एच, क्योंकि हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ए आर है, और कुछ क्या, कौन सा सोल्यूशन निकाल रहे हैं उसका, होमोजेनियस सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारा ए आर एच। अभी रूट क्या आए हैं हमारे, वन और टू दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी वन, सी वन, वन की पावर आर प्लस सी टू, टू की पावर
आर। मैंने आर पावर क्यों लगाई, क्योंकि क्वेश्चन हमारा आर में है और सी वन सी टू दो कॉन्स्टेंट लिए और मैंने अल्फा वन के ऊपर आर लगाया सी टू। अब बोलोगे सर इसका रूल में थोड़ी देर में अभी जो हमारा आया है ना ये पूरा इसका यूज नहीं है, ये मैंने जो अभी तक पढ़ाया है उसका निचोड़ है, अभी तक मैंने ये सब कुछ करा चुका मैं आपको, तो अभी तक का मैंने पढ़ाया हुआ ये है। तो हमारी क्या इक्वेशन आगे देखो, मैं इक्वेशन को इधर लिख देता हूँ क्योंकि इसका बाद में हमें इसको हम इक्वेशन वन लेट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन टू लेट कर देते हैं क्योंकि इसका बाद में हम टोटल सॉल्यूशंस निकालेंगे जब इसका यूज पड़ेगा। तो हमारा क्या आ गया, ए आर एच इज इक्वल टू सी वन वन की पावर आर प्लस सी टू टू की पावर आर, ये हमारा बाद में आएगा, ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन आ गया। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशंस, ये मैं अभी तक करा चुका आपको लेक्चर नंबर थ्री में, अगर ये इधर समझ में नहीं आया तो ब्रीफ में तो उधर जाके आप ब्रीफ में देख सकते हो इधर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर कि वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक ट्रायल सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन अज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन, क्या करेंगे ट्रायल सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे, क्या ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, अभी हम किससे अज्यूम करेंगे, यहां से अज्यूम करेंगे। अभी हमें किसका यूज रहेगा, हमारा राइट हैंड साइड का हमारा यहाँ पे यूज रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कौन सा चाहिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए और क्वेश्चन किस में, ए आर पी, हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारा क्या किसके इक्वल होगा, फाइव की पावर आर, मतलब कॉन्स्टेंट की पावर आर, कॉन्स्टेंट की पावर आर में जड़ की पावर फाइव क्या कॉन्स्टेंट है और उसकी पावर आर, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए जड़, जड़ हमारा कितना है फाइव की पावर आर। ये कौन सी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये वन थी, ये मैंने टू लेट किया था इसको, ये टू हो गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इक्वेशन और टू को, वन टू और थ्री है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस मेथड के बाद मैं एक लेक्चर और लेऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चन पे, क्यों अभी बताता हूँ आपको क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा होमोजीनियस ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया है, जो ट्रायल सॉल्यूशन आया है ये वाला, और हमारा जो ये सॉल्यूशन है इसमें से हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को और देखेंगे कोई टर्म मैच तो नहीं कर रही है, क्या कर रही है, कोई टर्म हमारी मैच तो नहीं कर रही है। अभी इसको आप देखो, हमारी कोई टर्म मैच कर रही है, इन दोनों को मैच करने पे हमारी कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही। मैच करने का मतलब क्या है कि 5 की पावर आर, इधर कहीं भी 5 की पावर आर है नहीं है, ए भी कॉन्स्टेंट है। अगर हमारा ये सी वन है मान लो, इधर क्या होता, इधर 5 की पावर आर है, इधर मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा 5 की पावर आर होता, तो हमारी एक टर्म भी मैच कर रही है, दोनों में से कोई भी एक टर्म मैच कर गई तो भी हमारा आगे ये मैच ये नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें और दोबारा से करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो एक्सप्रेशनल केसेस आएंगे ना हमारे, जो उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर फिफ्थ होगा हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी हमारा क्या है, टू है, अभी हम खाली इतना सीख रहे हैं कि हमारा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सी वन वन की पावर आर, इधर क्या है फाइव की पावर आर, फाइव की पावर आर है नहीं है, तो हमारा लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग ट्रायल सॉल्यूशन एंड होमोजीनियस सॉल्यूशन नन ऑफ टर्म आर मैचिंग, हमारी कोई भी टर्म क्या कर रही है, मैचिंग नहीं कर रही, हमारी कोई भी टर्म मैचिंग नहीं कर रही। सो जो हमारा ये ट्रायल सॉल्यूशन ये हमारा आया है ये, इसलिए इसके हमें ए आर पी के, तो हमारा ए आर का तो ये हो गया, हमें तो क्या क्या चाहिए, ए आर प्लस टू भी चाहिए, क्या चाहिए, ए आर प्लस टू भी चाहिए और ए आर प्लस वन भी चाहिए, हमें चाहिए ना स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट टर्म तो हमारी अजीत रहे, ए आर तो हमारा इधर से आ गया, हमें क्या चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूरा निकालना है, तो ए आर तो इधर से आ गया, तो हमारे अगर कोई सी भी टर्म मैच नहीं कर रही तो हम कम ये लाइन लिखने के बाद क्या कर देंगे, जो हमारा इक्वेशन थर्ड आया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, आर प्लस टू, क्या पुट कर देंगे, आर प्लस टू और एक बार क्या कर देंगे आर प्लस वन, क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत है यहाँ पे। तो हमारा इधर से क्या हो जाएगा, ए हमारा इधर क्या हो जाएगा, ए फाइव की पावर आर प्लस टू और नीचे क्या हो जाएगा, ए फाइव की पावर आर प्लस वन, जो हमारी ये सारी वैल्यू है पुट ए आर प्लस टू ए आर प्लस वन एंड ए आर इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन वन में, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इस वैल्यू को क्या किसमें पुट करेंगे, इसमें, क्यों किया, हमें ए की वैल्यू चाहिए।
अभी इसमें पुट कर देते हैं, देखो इसमें पुट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, a 5 की पावर r प्लस 2 कर दिया मैंने, माइनस 3 ए आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है a 5 की पावर r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, ए आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a 5 की पावर r इज इक्वल टू क्या हमारा 5 की पावर r स्टूडेंट्स। अभी देखो अभी इसमें से क्या हम क्या ले सकते हैं, 5 की पावर r कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से देखो 5 की पावर r कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर कितना बच गया, a 5 की पावर 2 बच गया, इधर क्या बच गया 5 की पावर 2 बच गया, माइनस 3a 5 की पावर कितने बच गया हमारा 1 बच जाएगा इधर से 5 r कॉमन आने के बाद, ये हो गया हमारा ये स्टूडेंट्स, हाँ 5 की ये बच गया हमारा, प्लस इधर कितना बच जाएगा 2 a बच जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 r। अभी इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 की पावर r इधर कितना हो जाएगा 25 a माइनस 15 a प्लस 2 a इज इक्वल टू 5 की पावर r हो गया हमारा। अब 25 में से 15 गए 10, 10 प्लस 2 कितने हो गए हमारे, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12 a इज इक्वल टू 5 की पावर r, 5 की पावर r से 5 की पावर r कैंसिल हो गया इधर से, तो हमारा इधर कितना हो गया 12 a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 12, हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 12। तो पुट अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो a की वैल्यू आई है वो किस में पुट कर देंगे, पुट इधर कर रहा हूँ देखो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, किस में पुट कर देंगे थर्ड में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ए आर पी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन 12 5 की पावर r, ये आ गया हमारा कौन सा सॉल्यूशन, पार्शियल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। हमें क्या चाहिए, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हमें क्या चाहिए था टोटल सॉल्यूशंस, क्या चाहिए था हमें टोटल सॉल्यूशंस चाहिए था, तो टोटल सॉल्यूशंस के लिए मैंने क्या बताया था आप सभी को, मैंने बताया था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी मैंने इसको टोटल सॉल्यूशंस के लिए क्या बताया था, टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन, क्या बताया था होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। होमोजीनियस सॉल्यूशंस हमारे पास कितना आया था, अभी देखो इसकी जरूरत पड़ गई ना हमें, सी वन 1 की पावर r प्लस सी टू 2 की पावर r प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कितना है 1 अपॉन 12 5 की पावर r, ये हमारा हो गया टोटल सॉल्यूशन। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया टोटल सॉल्यूशंस, हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका क्या आया ये टोटल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार मैंने पहले टाइप के ऊपर बात किया स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बात कर लिया, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है वाई के प्लस टू माइनस फोर वाई के प्लस वन प्लस फोर वाई के इज इक्वल टू सेवन, हमें इसको सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से तरह सोल्व करना है। इस अब इसके बार क्या उस साइड में आर एच एस में क्या हमारा सेवन है, पहले हमारा फाइव मतलब कुछ कॉन्स्टेंट की पावर आर थी, अभी हमारा क्या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को हम क्या लेट कर लेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारा ट्रायल सोल्यूशन आएगा उसमें हम ए लेट कर लेंगे, तो हमारा पहले से हम क्या निकालेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे तो हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन रहेगा। तो पहले जल्दी से हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा सेम, हम इसको अल्फा लेट कर ले क्योंकि अभी मैं बार बार क्वेश्चन में वो रिपीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं वो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो यहां लिख के लेके आऊंगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमारा क्या है देखो, हमें क्या लेट किया था अल्फा कर लिया, जो हमारा ऑर्डर रहता है वो ऊपर चला जाता है, मिनिमम ऑर्डर क्या है जीरो माइनस फोर वाई, जो हमारा ये ऊपर चला जाता है मिनिमम ऑर्डर क्या है जीरो प्लस फोर जीरो माइनस जीरो, तो हमारा क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो अभी क्या हो जाएगा क्या फैक्टर बन जाएंगे अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएंगे अल्फा हमारे टू और टू आ जाएंगे, तो इसका हमारा क्या बनेगा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारा इधर क्या बन जाएगा, जब दो रूट हमारे आपस में मैच हो रहे हैं तो उसका मैंने क्या बताया था हमारा इधर क्या बन जाएगा सी वन, इधर देखो वाई के होमोजीनियस लिया मैंने क्योंकि वाई के किस क्यों लिया है क्योंकि हमारा वाई के में क्वेश्चन है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई के, तो सी वन टू की पावर आर के हमारी क्या हो जाएगी टू की पावर के, अब तक क्या ले रहे थे आर क्योंकि आर था क्वेश्चन में, अभी के आ गया तो के लेंगे, प्लस हमारे दोनों रूट क्या है सेम है, सेम है तो हमारा आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर सी टू टू की पावर k,
के, तो इधर से 2 की पावर के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले दिया तो क्या बन गया C1 R C2। ये हमारा क्या बन गया, इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन हमारा बन गया स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन आ गया, अभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस किससे निकालते हैं, लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे हम इधर से, बाई अनडिटरमिनेंट अनडिटरमाइंड कोफिशियंट मेथड, जो हम सीख रहे हैं, जिससे हम पीआई निकालना सीख रहे हैं, कोफिशियंट मेथड। अज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन, क्या अज्यूम करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशंस, क्या होगा हमारा वाई के पार्शियल निकाल रहे हैं, हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल, तो पी से डिनोट कर दिया, तो किस कांस्टेंट का हमारा क्या होता है, ए, क्या होता है हमारा कांस्टेंट का ए होता है स्टूडेंट्स। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसको 2 हो गया हमारा, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया, 3। अब सेम चीज पहले कंपेयर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर कंपेयर करेंगे इन दोनों को, और लिखेंगे जो इक्वेशन मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, नाउ कंपेयरिंग ट्रायल सॉल्यूशन एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन, नन ऑफ टर्म मैचिंग, कोई भी टर्म मैचिंग नहीं करे, सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, वाई के किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और वाई के प्लस टू चाहिए हमें, और वाई के प्लस 1 चाहिए, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, ये भी किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे ए के बराबर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हमारा, क्योंकि आर में पुट करते थे हम, आर की जगह के प्लस 2 और के प्लस 3 करते थे, ये तो हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, ए के। अब इनको पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हम फर्स्ट में पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, वाई के प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, ए, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस 4a इज इक्वल टू 7, तो 4a से 4a कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इधर से 7 आ गई। अब क्या करेंगे पुट, अभी हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो y के पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा इधर से 7, क्या जाएगा 7 आ जाएगा इधर से हमारा, और हमारा टोटल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा इधर से स्टूडेंट्स, टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा इधर से, पहले क्या आएगा होमोजेनियस सॉल्यूशंस 2 की पावर के C1 प्लस RC2 प्लस 7, ये हमारा हो गया इस इक्वेशंस का टोटल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम है क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा जो इक्वेशन हमें रेकंसिलिएशन दी हुई है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, देखो उसमें देखते हैं। अभी मैं इसमें दोनों चीजें निकाल के दिखा रहा हूं, अगेन होमोजेनियस भी और पार्टिकुलर सॉल्यूशंस भी, ठीक है। पहले हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाय स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम बाय स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखो इधर इसका सॉल्यूशन होगा ए आर को हम क्या लेट कर रहे हैं, अल्फा लेट कर लिया, इसकी क्या है कुछ भी नहीं रखा, तो ऑर्डर क्या है 0 माइनस, मिनिमम ऑर्डर कितना है हमारा, मिनिमम ऑर्डर इधर कितना है 0 और इधर कितना है -1, तो मिनिमम कौन सा हुआ हमारा -1, तो मैंने -1 ऊपर लिख दिया -3। इसको हमने क्या माना है ए आर को अल्फा, इसके साथ ऑर्डर कितना है -1 ऊपर ले लिया, और माइनस का साइन, हमारा मिनिमम ऑर्डर भी कितना है हमारा -1, यही है हमारा, तो हमने क्या कर दिया हमारा 1 आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा की पावर 0, तो इधर से हमारा क्या आ गया अल्फा माइनस 3, क्योंकि अल्फा की पावर 0 कितनी हो जाएगी हमारी 3। अगेन समझो हमारी इधर क्या है 0 है, इधर हमारा ऑर्डर कितना है -1, तो हम क्या करते हैं जो हमारा इसके साथ है उसको तो ऊपर लिखते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया माइनस मिनिमम ऑर्डर हमारा 0 बड़ा है -1 से, तो हमने -1 ऊपर ले लिया, तो हमारा माइनस माइनस प्लस आ गया। सिमिलरली मैंने इसमें किया, ये हम पहले लिखते हैं -1 माइनस मिनिमम ऑर्डर भी हमारा क्या है -1 ही है, तो मैंने -1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 3 आ गई स्टूडेंट्स, क्या इधर से हमारी अल्फा की वैल्यू 3 आई, तो हमारा होमोजेनियस क्या हो जाएगा इधर से ए आर
होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा इस इक्वेशंस का हमारा, ये हमने इक्वेशन नंबर वन लेट कर लिया, ठीक है। अभी इसका होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, सी वन थ्री की पावर आर, हमारा एक ही है, दूसरा कुछ नहीं होता, तो कुछ होता तो सी टू प्लस कुछ करते, तो हमारा कुछ नहीं है। ये था हमारा क्या था, होमोजीनियस सॉल्यूशंस। अभी हम बात करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। अब ये देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया और किस टाइप का लिया, हमारा क्या है 5R, क्या है हमारा 5R, इस प्रकार के हम क्या लेंगे, क्या हमारा R, ये हमारा R, R में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारा क्या हो जाएगा R, तो लिखने की जरूरत नहीं, जीरो वन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये है, तो हम इसका पार्टिकुलर ट्रायल सॉल्यूशंस क्या है बाई लिखेंगे सेम हम, बाई डिटरमिनेंट अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम ट्रायल सॉल्यूशंस, अज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशंस क्या लेंगे हम, ए आर होमोजेनियस सॉरी पार्टिकुलर इक्वल टू क्या होगा हमारा सेम, ए आर प्लस बी, क्योंकि हमारा क्या है आर के टर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या पुट कर देंगे ए आर प्लस बी। स्टूडेंट ध्यान रखना कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो इधर मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म जो आर का है तो आर का ले लिया मैंने, अगले क्वेश्चन में आर स्क्वेयर लूंगा तो उसमें आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये पुट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हमारा कुछ भी हो उसके साथ नहीं लेंगे हम, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे हम, इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेंगे, इक्वेशन नंबर टू हमारी ये हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेम लाइन जो हमारी इक्वेशन थर्ड पार्टिकुलर जो ट्रायल सॉल्यूशन आया है और हमारा जो ये आया है, इनमें से कोई टर्म मैच कर रही है, हमारी थ्री की पावर आर में है, थ्री की पावर आर में कोई टर्म नहीं है, तो हम सेम लाइन रिपीट करेंगे, मैचिंग कंपेयरिंग ट्रायल सॉल्यूशंस एंड होमोजेनियस सॉल्यूशंस डज नो टर्म्स मैचिंग, तो हम लिखेंगे फ्रॉम नाउ, फिर वो लाइन लिखने के बाद लिखेंगे नाउ हमारा ए आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी। अभी हमें क्या चाहिए, ए आर माइनस वन चाहिए, ए आर माइनस वन, तो आर की जगह क्या पुट कर देंगे आर माइनस वन प्लस बी, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ए आर माइनस ए प्लस बी। अब ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में पुट वैल्यू ए आर, ए आर माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म है दोनों, तो करेंगे तो हमारी ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर प्लस बी माइनस थ्री, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी ए आर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव आर, क्या आई है इक्वल टू हमारी फाइव आर, ये आई है हमारी, तो इधर से क्या हो जाएगा ए आर प्लस बी माइनस थ्री ए आर, क्या है थ्री ए आर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू फाइव आर, क्या हो जाएगा फाइव आर। अब स्टूडेंट्स इधर से देखो हम क्या करेंगे, ए आर, ए आर वाली टर्म को हम एक साइड ले लेते हैं, तो हम इतना कितना हो जाएगा हमारा इधर से माइनस टू ए आर इज इक्वल टू सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू फाइव आर। तो अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए आर, ए हमारा की ए की वैल्यू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू फाइव और ए इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस फाइव बाय टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमारी कुछ भी नहीं है इस साइड, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे इधर माइनस फाइव बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल माइनस टू बी, ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन, उधर जाके प्लस का हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन टू, इधर बी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर, ये आ जाएगी हमारी ए और बी की वैल्यू। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर हमारा माइनस फाइव बाय टू, प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। और टोटल सॉल्यूशंस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हमारा जो आया है माइनस फाइव बाय टू आर माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सॉल्यूशन, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस में। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चंस किया आर का। अब सिमिलरली हमारा आर स्क्वायर का होगा आर क्यूब का होगा,
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करना। अभी मैं बात करूंगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड की पावर आर पे, क्वेश्चन नंबर 4, और आज के लेक्चर का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी ये मैंने करा दिया, बाकी के हमारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में, हमने सीखा कि कॉन्स्टेंट टर्म हो तो क्या सीखेंगे, या हमारा किसी कॉन्स्टेंट की पावर आर हो तो कैसे करेंगे, या कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो तो कैसे करेंगे, या आर हो तो हमने कैसे करेंगे। सिमिलरली हमारा आर स्क्वायर और आर क्यूब होगा, इसमें खाली 3 ए बी सी डी वैल्यू निकल जाएगी, इसमें ए बी सी निकल जाएगी। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आर स्क्वायर ये करा ही दिया है, तो सेम हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा कंप्लीट इसी में करा दिया है। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।